हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजस्थान एकेडमी। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं पुनः एक बार राजस्थान एकेडमी पर। और आप सभी लोगों को जैसा कि पता है, हम कंटिन्यूअसली स्पेस टेक्नोलॉजी, जो कि आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का एक छोटा सा भाग है। और ये स्पेस टेक्नोलॉजी ने अभी यानी कि कल आपका 23 अगस्त 2023 को जो भारत के अंदर एक इतिहास रचा गया है, जिसने भारत के तिरंगे को चांद के ऊपर पहुंचा दिया और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि जो इसरो कभी अपने रॉकेट के छोटे छोटे भाग को साइकिल और बैलगाड़ी में लेकर जाया करता था, आज वही भारत चंद्रयान 3 के द्वारा पूरे दुनिया को दिखा रहा है कि चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर भी पहले ही अटेम्प्ट में पहुंचा जा सकता है और सफलता प्राप्त की जा सकती है। और वो करके दिखाया है तो केवल और केवल इसरो के महान, अथक, मतलब क्या कहूं, ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने, मुझे लगता है कि खाना पीना छोड़ करके भी चंद्रयान 3 को सक्सेस करने के लिए कंटिन्यूअसली मेहनत करी और आखिरकार उन सभी वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाई और वहां काम करने वाले, मैं कहूंगा इवन पियोन तक की भी मेहनत काम आई। इसलिए वो चंद्रयान 3 आज अपना तिरंगा, भारत देश का तिरंगा चंद्रमा पर लहरा रहा है। इससे बड़ी गर्व की बात किसी भी भारतीय के लिए नहीं हो सकती और इससे बड़ा कारनामा इसरो के द्वारा और कोई नहीं किया जा सकता। अरे हम देख रहे हैं कंटिन्यूअसली मंगलयान को पहले ही अटेम्प्ट में पहुंचा दिया और उसका खर्चा कितना आया था, फिल्मों से कम। आज चंद्रयान 3 को पहुंचा दिया पहले ही अटेम्प्ट में और वो भी पूरे दुनिया के अंदर परचम लहरा करके, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि कोई चंद्रयान जो है बिल्कुल एकदम सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग के साथ साथ चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर पहुंचा हो। और ऐसा किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं होता है, लेकिन एक व्यक्ति जरूर होता है जो इस कार्य को करने में सभी की हेल्प करता है और वो होता है इसरो के चेयरपर्सन। क्योंकि अगर इसरो का चेयरपर्सन एक अच्छा व्यक्ति है जो चाहता है कि भारत देश अपना परचम ले रहा है, भारत का तिरंगा दुनिया के सभी झंडों पर राज करे या सभी झंडों पर ऊंचा अपना नाम रखे, तो उसके लिए इसरो का चेयरपर्सन बहुत ही शानदार व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। यानी हम ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का डेडिकेटेड होना, मेहनती होना बहुत जरूरी है। और आज ऐसे ही हम कुछ इंपॉर्टेंट हमारे जो फॉर्मर चेयरपर्सन रह चुके हैं इसरो के, उनके बारे में बात करेंगे और वर्तमान के इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी को भी मैं तो नमन करूंगा, हाथ जोड़ करके उनका जो है हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने इतना बड़ा कारनामा कराया है कि भारत अब जो है इस इतिहास को नहीं भूल पाएगा और जो इतिहास भारत ने कल लिखा है, जो रिकॉर्ड अपना बनाया है, उस रिकॉर्ड को मिटाने के लिए भी मुझे लगता है कई देशों को कई दशकों तक इंतजार करना होगा और भारत ने वो कारनामा कर दिखाया है। और वो भी महज भारत के अभी आजाद हुए केवल 75 वर्ष हुए हैं और इतने ही वर्षों में जिन देशों ने कुछ नहीं सीखा था, वहीं भारत आज चंद्रमा पर अपना तिरंगा लहरा रहा है। इससे बड़ी बात भारत देश के लिए कोई और नहीं हो सकती। आज हम बात करने जा रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत स्पेस टेक्नोलॉजी की, जो अपन बात कर रहे थे। और बड़े गर्व की बात है कि मैंने चंद्रयान 3 आपको पढ़ाया है। बस मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आज से 50 साल बाद 60 साल बाद में जब ये चंद्रयान 3 के अलावा कोई और देश अपना कुछ छोड़ेगा और बताएगा कि हमने ये किया, तब मैं किसी को कह सकूंगा कि जब भारत ने चंद्रयान 3 छोड़ा था ना, तब मैं बच्चों को पढ़ा रहा था और चंद्रयान 3 के बारे में बताया था। मैं उन सभी शिक्षकों को भी नमन करता हूं जिन शिक्षकों ने लगातार मेहनत करके इसरो के जो वैज्ञानिक है उनको पढ़ाया होगा, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी से तो पढ़ाई है इस दुनिया के अंदर। और मुझे लगता है कई शिक्षक और इस वैज्ञानिकों के अंदर भी अगर देखें तो कई ऐसे वैज्ञानिक होंगे जो छोटे छोटे गांव से होंगे, और जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक मुझे पता चला है, इसमें इस इसरो के अंदर हमारे राजस्थान राज्य से नागौर की एक जो है साइंटिस्ट भी है वहां पर विराजमान, और उन्होंने भी जो है इस इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 जो छोड़ा गया उसमें अहम भूमिका निभाई है। तो मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि मैं राजस्थानी भी हूँ, मैं भारतीय भी हूँ और मैं एक टीचर भी हूँ, क्योंकि किसी न किसी टीचर ने तो इन इसरो के वैज्ञानिकों को पढ़ाया ही होगा। और मुझे उम्मीद है
कि आगे आने वाले समय में जब आप सक्सेस हो जाएंगे, और जैसा कि मैं आगे आईआईटी वगैरह की भी तैयारी करवाता हूँ बच्चों को, मैं आईआईटी की प्रिपरेशन भी करवाता हूँ, तो हो सकता है कोई बच्चा आईआईटीएन बने और कभी कहीं अच्छी जगह पहुंचे, तो हमारे लिए गर्व की बात होती है। इसलिए उन सभी शिक्षकों को भी नमन है, और इसी के साथ अपनी क्लास करते हैं शुरू। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे को ये जो इसरो के चेयरपर्सन हैं, इनके बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है। इनके बारे में पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि आपको ये पता चले कि कौन से वैज्ञानिक ने क्या किया है, कौन से चेयरपर्सन के आने पर कौन सा मिशन चला था। जैसे एस सोमनाथन जी जो है, इनके नाम पर भी लिखा जाएगा कि चंद्रयान 3 इन्होंने छोड़ा था, बहुत ही शानदार और सफलता प्राप्त करी थी। तो ये चीजें आगे आने वाले एग्जाम में काम आने वाली है, इसलिए ठीक है। इनके बारे में जब आप पढ़ोगे तो आपको जो है आरएएस मेंस वगैरह में भी हेल्प मिलेगी। चलिए बात करते हैं अपने सबसे पहले विक्रम साराभाई, जो कि इसरो के पहले चेयरपर्सन थे। मैं तो इनको भी नमन करूंगा क्योंकि इन्होंने ही इसरो को जो है स्टेबलाइज करवाया है। तो विक्रम साराभाई के बारे में वैसे अपन कल बात कर चुके थे, 1919 में इनका जन्म हुआ, 1971 में इनकी डेथ हो गई थी। ये है इनका फोटो, और 1963 में ये जो है आपके इसरो के चेयरपर्सन बने थे, और 1971 तक ये रहते हैं, आठ साल तक ये रहते हैं। तो 8 साल का इनका कार्यकाल रहा था, और ये जो है इनको इस्पार जो है उसके फाउंडर भी है, और इन्हें ये भी कहा जाता है क्या, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई जी को कहा जाता है, और इन्हीं के एफर्ट से जो है आगे जाकर के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बना, जिसने भारत को परचम लहरा दिया है, भारत के तिरंगे को चंद्रमा दिखा दिया है। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं एम जी के मेनन। कौन आ जाते हैं, एम जी के मेनन, जिनका कार्यकाल 1928 में शुरू हुआ था, और 1928 से लेकर के कब तक चलता है, तो इनका कार्यकाल चलता है, एक सेकेंड यहां पर कुछ मिस्टेक हो गई है, ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि 78 से था, है ना, यहां पर एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ जी, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअली मैं यहाँ कंफ्यूज हो गया था। ये जो एम जी के मेनन है, इनकी एम जी के मेनन का जन्म हुआ था 1928 में, और डेथ होती है 2016 में। अब एक्चुअली क्या, ये तो डेथ जो है इनका टाइम पीरियड दे रखा है कि ये किस टाइम से लेकर के किस टाइम तक जिंदा रहे, और इनका नाम क्या है। मैंने यहाँ सोच लिया था कि ये इतने टाइम तक रहे थे आपके क्या चेयरपर्सन, तो मैंने सोचा 2016 में तो कोई और था चेयरपर्सन, ये कैसे आ गए, है ना, इसीलिए थोड़ा सा। तो एम जी के मेनन जो है वो सेकेंड हमारे इसरो के चेयरपर्सन थे, जिनका जन्म 1928 में हुआ, 2016 तक जो है ये जीवित रहे, 2016 में इनकी डेथ हो जाती है, और ये चेयरपर्सन बनते हैं इसरो के जनवरी 1972 में, और सेप्टेम्बर 1972 तक जो है केवल 9 महीनों के लिए ही ये इसरो के चेयरपर्सन रहे थे, ठीक है। और इनके लिए क्या काम का था, तो ही वॉज नोटेबल मोस्टली फॉर हिज वर्क ऑन कॉस्मिक रे एंड पार्टिकल फिजिक्स, पर्टिकुलरली ऑन द हाई एनर्जी इंटरेक्शन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। यानी जो इनको ये केवल फेमस किसके लिए है, तो कॉस्मिक रे की इन्होंने स्टडी करी थी, और जो पार्टिकल फिजिक्स है उसके बारे में इन्होंने स्टडी करी थी, उसके लिए ये फेमस है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये 9 महीने के लिए रहे थे एम जी के मेहनत के बाद में तीसरे नंबर पर हमारे जो चेयरपर्सन बने थे वो बने थे हमारे कौन, तो तीसरे हैं सतीश धवन, जो कि 1920 में इनका जन्म होता है, 2002 में इनकी डेथ हो जाती है, और 1973 के अंदर, क्योंकि 72 तक तो जो है एम जी के मेहनत रहते हैं, फिर 1973 के अंदर सतीश धवन जो है वो इसरो के चेयरपर्सन बनते हैं, और 1984 तक ये रहते हैं, 12 साल तक, कितने 12 साल तक जो है कंटिन्यूअसली सतीश धवन इसरो के चेयरपर्सन रहते हैं।
सतीश धवन एक बहुत ही बड़ी हस्ती आपको पता ही होगा। तो सतीश धवन इज नोन फॉर हिज वर्क, इनका वर्क किया गया था फ्लूइड डायनेमिक्स के ऊपर, और इनका जो है अभी तक का लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट कह सकते हैं लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ ऑफ इसरो टेन्योर जो है वो किनका है, तो सतीश धवन का ही है। यानी जो ये श्रीमान सतीश धवन जी है ये सर्वाधिक समय तक इसरो के चेयरपर्सन रहे थे, लगभग 12 साल। अभी तक का लॉन्गेस्ट टेन्योर जो है वो इन्हीं का रहा है, ठीक है। इसके बाद में इन्हीं के द्वारा जो है इनसेट जो प्रोग्राम है जिसके बारे में अपन आगे पढ़ चुके हैं, इस इनसेट प्रोग्राम को शुरू करवाया था सतीश धवन ने ही, ठीक है। चलिए इसके बाद में बने थे आपके चौथे नंबर पर यू आर राव। कौन बने थे? यू आर राव जो है वो चेयरपर्सन बने थे इसरो के, और इनका जो जन्म है वो आपके 1932 में हुआ था, 2017 में इनकी डेथ हो गई थी। 1984 में जब सतीश धवन हटे उसके बाद में ये बनते हैं इसरो के चेयरपर्सन, और 1994 तक यानी लगभग 10 साल का कार्यकाल इनका भी रहा था। तो हम कह सकते हैं सेकेंड हाईएस्ट इन्हीं का टेन्योर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं यू आर राव के बारे में अन्य। तो ये जो है यू आर राव आपके जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है संस्थान जिसके बारे में अपन ने कल बात करी थी IIST, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उसके चांसलर भी रहे हुए हैं। क्या रहे हुए हैं? चांसलर भी रहे हुए हैं। ये जो राव है मतलब आपके यू आर राव जो है इन्होंने लॉन्च व्हीकल जो है उसके डेवलपमेंट में काफी सपोर्ट किया था, और इन्हीं के प्रयासों से जो PSLV और GSLV है वो रॉकेट बने थे, ठीक है। किन के प्रयासों से? यू आर राव के प्रयासों से ही ये बने थे। इसके बाद में जो इनसेट प्रोग्राम था उस इनसेट प्रोग्राम को और बड़े लेवल पर, यानी इसको शुरू तो सतीश धवन जी ने करा था लेकिन इसको और बड़े लेवल पर, यानी मेजर इसके जो स्पेस क्राफ्ट जो भी थे इसके रॉकेट वगैरह वो छोड़े किसके समय गए थे? तो यू आर राव के समय उनको छोड़ा गया था, ठीक है। ये थे यू आर राव। इनके बारे में सभी चीजें ऐसे एज इट इज याद करने नहीं बैठना है, ये सिर्फ मैं आपको जो है याद इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको एक बार नॉलेज में रहे कि कौन कौन रहा है कौन नहीं रहा है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये हमारे एलिमिनेट करने में काम आएंगे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट हमारे। तो नेक्स्ट आपके चेयरपर्सन आ जाते हैं वो है के कस्तूरी रंजन। कौन आ जाते हैं? के कस्तूरी रंजन। और के कस्तूरी रंजन जो है वो आपके 1940 में इनकी जन्म हो गया था, और 1940 से अभी तक का इनका कोई स्टेटस है नहीं, मतलब इनकी डेथ हो गई है नहीं हुई है इसके बारे में अभी कोई स्टेटमेंट है नहीं यहाँ पर। और ये 1994 के अंदर जो है आपके इसरो के चेयरपर्सन बने थे, और इनकी डेथ सॉरी इन्होंने जो है अपना कार्यकाल 27 अगस्त 2003 तक रखा था। तो कितनी बड़ी बात है देख लो, अगस्त का महीना ही चल रहा है, 27 अगस्त भी आने वाली है, तो मतलब लगभग इनको 20 साल पहले है ना, 27 अगस्त से अगर कंपेरिजन करें तो 20 साल पहले जो चेयरपर्सन थे इसरो के वो थे आपके के कस्तूरी रंजन। और के कस्तूरी रंजन के लिए आज कितना जो है मतलब गौरवान्वित करने वाला पल होगा कि जिस संस्था के ये आपके चेयरपर्सन रहे हुए हैं वही संस्था आज जो है चंद्रमा पर तिरंगा लहरा रही है और पूरी दुनिया में परचम फहरा रहा है उसका। समझ में आई बात? तो ये बहुत ही गौरवान्वित करने वाला इनके लिए पल होगा, और इनका कार्यकाल लगभग 9 साल का रहता है, ठीक है। चलो बाकी इन्होंने जो है वही इनसेट सीरीज के अंदर ही कुछ इंप्रूवमेंट करे थे। इसके बाद में IRS यानी कि इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो थे उनके ऊपर भी इन्होंने काम किया था और उसे ही आगे बढ़ाया था, ठीक है। इसके बाद में इनके कार्यकाल में ही जो PSLV है GSLV है इसके अंदर और इनको जो है सफिशियंट किया गया था, यानी और ज्यादा इनको इम्प्रूवमेंट करके आगे लाया गया था, ठीक है। ये थे के कस्तूरी रंजन जी। इसके बाद में आगे बात करते हैं
नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं कौन से, तो नेक्स्ट हमारे सिक्स नंबर पर जो है वो है जी माधवन नैयर। कौन है? जी माधवन नैयर जी, जो कि अभी प्रेजेंट में जिंदा है और 1943 में इनका जन्म हुआ था। सितंबर 2003 में ये चेयरपर्सन बने थे और 19 अक्टूबर 2009 के अंदर ये अपने पद से हटे हैं। 6 साल तक इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, नेयर जो है जाने जाते थे मल्टी स्टेज लॉन्च व्हीकल, लॉन्च जो आपके व्हीकल्स है, इन लॉन्च व्हीकल्स के जो अलग अलग स्टेज होती है उस मल्टी स्टेज के अंदर इन्होंने जो है काफी अच्छा सपोर्ट किया था। और ये जो अलग अलग स्टेजें होती है, जैसा कि आपने देखा होगा कि जैसा चंद्रयान 3 है उसको 4 चरणों में, कभी 3 चरणों में, अलग अलग रॉकेट के मैंने चरण बताए थे, तो उन चरणों के अंदर इनको छोड़ने का जो है इन्होंने उसमें एक्सपर्टाइज थी इनकी बहुत काफी अच्छी। इसके बाद में इनका जो टेन्योर है वो आपके इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के लिए भी काफी अच्छा फेमस रहा था। इसके अलावा ये जो है जी माधवन नैयर जी, जो आज हम चंद्रयान 3 देख रहे हैं ना, उस चंद्रयान उपग्रह की जो शुरुआत है या इस श्रृंखला की जो शुरुआत की गई थी चंद्रयान 1 को लॉन्च करके, तो वो चंद्रयान 1 जो लॉन्च किया गया था वो इन्हीं के कार्यकाल में शुरू हुआ था, जी माधवन नैयर जी के। और आज देखिए कि वही उनके लिए कितनी खुशखबरी की बात होगी कि चंद्रयान 1 तो मैंने जोड़ा था और आज मेरे छोटे भाई सोमनाथ ने चंद्रयान 3 छोड़ करके विश्व को दिखा दिया कि भारत क्या चीज है। और बात करें तो इनके द्वारा ही जो एस बैंड स्पेक्ट्रम वगैरह होता है, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन जो है, इन सबको इन्होंने ही आगे बढ़ाया था। ठीक है, चल ये ज्यादा इतनी इंपॉर्टेंट बातें है नहीं, ये कुछ पर्सनल है इनकी बातें, मतलब जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम की नहीं है, पर्सनल बोले। इसके बाद में अपने के राधा कृष्णन जी आते हैं, जो कि बहुत ही शानदार इनका भी कार्यकाल रहा था। के राधा कृष्णन भी जो है काफी अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे। 1949 में इनका जन्म हुआ था और ये 2009 में चेयरपर्सन बनते हैं और 2014 तक ये चेयरपर्सन रहते हैं। ठीक है, और 5 साल और 62 दिन का इनका कार्यकाल है। इन्होंने जो है सबसे पहले VSSC, जो कि मैंने आपको बता दिया है कल फुल फॉर्म इन सभी की, उसको ज्वाइन किया था। वहीं से फिर ये आगे बढ़ते हुए इस प्रकार से जो है आगे बढ़ते गए। इसके बाद में इन्होंने ही IRNSS जो है उसको भी लाया था। इसके बाद GSLV जो MK3 है उसको भी इंडिया में इन्होंने ही डेवलप करवाया था। मंगलयान जो था वो इन्हीं के द्वारा सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था। तो मंगलयान जब लॉन्च किया गया था उस समय आपके इसरो के जो चेयरपर्सन थे वो यही के राधा कृष्णन जी थे। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसके बाद में चंद्रयान 2 जो है उसको भी रीडिफाइनिंग इन्हीं के द्वारा किया गया था, उसी को डिजाइन वगैरह सब इन्होंने ही करवाया था उस समय। ठीक है, चलो इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है अपने पास में शैलेश नायक जी। कौन आ जाते हैं? शैलेश नायक जी, जो 1953 के अंदर जो है इसरो के चेयरपर्सन बनते हैं, सॉरी इनका जन्म होता है। 1 जनवरी 2015 को ये चेयरपर्सन बने थे और 12 जनवरी 2015 तक ही रहे थे, यानी 11 दिन का कार्यकाल ही इनका रहा है। सबसे छोटा कार्यकाल इनका ही रहा था। ठीक है, समझ में आ गई बात। और इनका सबसे छोटा कार्यकाल क्यों रहा सर? छोटा कार्यकाल इसलिए रहा क्योंकि ये खुद जो है एज ए प्रॉपर चीफ नहीं बने थे या प्रॉपर चेयरपर्सन के रूप में नहीं थे, ये केवल और केवल कार्यवाहक चीफ पर्सन थे, इसलिए जो है इनका कार्यकाल केवल 11 दिन का ही रहा था। इसके बाद में इनके बाद में कौन आ गया था, मतलब ये जब थे शैलेश नायक जी तो ये फिर वापस से वहां से क्या हो गए थे, हट गए थे भाई इसरो के चेयरपर्सन की जगह से, फिर तो दूसरे आ गए थे। और वो आए थे AS किरण कुमार। 1952 में इनका जन्म हुआ, प्रेजेंट में जीवित है। 14 जनवरी 2015 से जो है 14 जनवरी 2018, यानी 3 साल तक ये जो है आपके क्या रहते हैं, तो चेयरपर्सन रहते हैं। और जो आपका नाभिक है, आपका एस्ट्रोसेट है, इन सभी को और HEX है, ये सब इन्होंने के द्वारा ही जो है शुरू किए गए थे। ठीक है, चलो इसके बाद में नेक्स्ट AS किरण कुमार के बाद में आ जाते हैं हमारे पास में कौन, हमारे के सिवन। कौन आ जाते हैं? के सिवन। ये जो के सिवन है ये 1957 में, कब?
1957 के अंदर जो है आपके इनका जन्म होता है और 15 जनवरी 2018 को ये चेयरपर्सन बने थे और 15 जनवरी 2022 यानी 4 साल तक का इनका कार्यकाल रहा था। ये जो है इससे पहले बीएसएससी एलपीएससी इसके जो है डायरेक्टर भी रहे हुए हैं। इन्हीं के द्वारा पीएसएलवी रॉकेट जो है बना था उसमें इनका भी पार्टिसिपेट किया गया था। चंद्रयान 2 जो कि आपका फेल हो गया था वो मतलब मून लैंडिंग पर नहीं कर पाया था अच्छे से, तो उस समय भी जो है इनका भी सपोर्ट रहा था। ये भी उस समय जो है काफी मदद का मतलब वहां पे काम कर रहे थे, ठीक है। इन्हीं ने ये इनके कार्यकाल में ही ये हुआ था बेसिकली। फिर इनके ही कार्यकाल में जो है हमारा इंडिया का पूरा क्रूड स्पेस प्रोग्राम जो है वो भी आपका एक्सेलरेट हुआ है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म गोल के अंदर इन्होंने जो है आपका चंद्रयान 3 जिसकी शुरुआत जो है उस समय हो चुकी थी और इसी को जो है धीरे धीरे टेस्टिंग की जा रही थी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, पहले कई सारी चीजों को धीरे धीरे चेक किया जाता है। तो 2022 तक जो है चेक कौन कर रहे थे, यही हमारे के सिवन जी ही चेक कर रहे थे, ठीक है। इन्होंने ही इसकी शुरुआत कर दी थी, तो आज इनके लिए काफी मतलब गौरवान्वित करने वाला मैं जो है एक पल रहा होगा कि जिसकी शुरुआत इन्होंने करी वो सक्सेस हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद में एक सितारा नाम का जो है इन्होंने ट्रांजेक्ट्री सॉफ्टवेयर भी बनाया था सितारा नाम का, जो कि आपकी के सीवन जी ने ही बनाया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास में आ जाते हैं एस सोमनाथ, और ये तो भाई साहब भारत के हीरो हैं, अरे भारत के युवाओं के हीरो कौन होने चाहिए, ये व्यक्ति होना चाहिए। ये वो शख्सियत है जिसने कल चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लॉन्च किया। क्या किया, मुझे काफी बड़ा मजा आया, मतलब कल से मैं इतना खुश हूं कि मैंने सभी बच्चों को मेरे यहाँ पर ऑफलाइन पढ़ने आने वालों को मैंने कल नहीं पढ़ाया था, उनको इसी बोर्ड पर लाइव टेलीकास्ट करके जो आप यूट्यूब पर भी देख रहे थे मेरे विद्यार्थियों, वही चीज मैंने यहाँ ऑफलाइन में लागू करके उनको बिठा दिया था और कह दिया था शांति से आज सिर्फ और सिर्फ ये देखोगे। और इन शख्सियत ने वो करके दिखा दिया जिसे भारत का नाम आज विश्व भर में लहरा रहा है। तो चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लॉन्च किसके कार्यकाल में किया गया था, एस सोमनाथन जी के, और इनका जन्म 1963 के अंदर हुआ था। 15 जनवरी 2022 को ये चेयरपर्सन बने थे। मुझे बड़ी ही मतलब एक खुशखबरी, मतलब मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि ये भी वो शख्सियत है जिसने 15 जनवरी को ही अपना सपना देखा होगा, ज्वाइन करते ही तो सपना देखा होगा कि भाई जो चंद्रयान 3 के सीवन छोड़ के जा रहा है ना उसे मैं पूरा करके रहूंगा, और इन्होंने इसे पूरा किया। अभी एक साल और, अब तो मान लो देखो 2023 आ गया, यानी एक साल से ज्यादा का समय हो चुका है, जब मैंने ये लिखा है तब 104 दिन हो चुके थे। और इन्होंने जो है आपको पता ही है ये एज ए डायरेक्टर भी है विक्रम साराभाई जो स्पेस सेंटर है उसके, ठीक है। इसके अलावा डायरेक्टर है लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के भी, ठीक। इसके अलावा इन्होंने ये जो है आपके प्रोजेक्ट है जीएसएलवी MK3 जो 2010 में था उस प्रोजेक्ट के ये डायरेक्टर रहे थे। उस समय देखो ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, आज प्रोजेक्ट डायरेक्टर से कहां पर पहुंचे हैं तो आप देख सकते हैं इसरो के चेयरपर्सन के पद पर है। और जो व्यक्ति कभी आपके किसी छोटे छोटे प्रोजेक्टों के डायरेक्टर रह करके इतनी मेहनत करी, क्या चेयरपर्सन है और चंद्रयान 3 को जो है सक्सेस कर दिया, समझ में आई बात। तो काफी मेहनत के बाद में कोई व्यक्ति जो है यहाँ पहुंचता है, तो आप भी अगर ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे तो आपको भी निश्चित रूप से ही सफलता मिलेगी और मेहनत का फल मिलता है। और ये हमारे सामने है रिजल्ट कि हम चंद्रयान 2 को जो है सक्सेसफुली लॉन्च नहीं कर पाए थे, लेकिन चंद्रयान 3 को ऐसा सक्सेसफुली लॉन्च किया कि दुनिया ने देखा। इसीलिए तो कहा जाता है कि तू खामोशी से मेहनत करता रहे, तू खामोशी से मेहनत करता रहे तेरी कामयाबी शोर मचाएगी, तेरी कामयाबी शोर मचाएगी। तो चंद्रयान 3 जब लगातार ये केस जो हमारे एस सोमनाथ जी है लगातार मेहनत करे जा रहे होंगे, लगातार मेहनत करे जा रहे होंगे, तब हमने किसी ने नहीं सोचा था कि चंद्रयान 3 कुछ लॉन्च भी होगा या क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ भी नहीं।
लेकिन जब ये 23 अगस्त 2023 को 6:04 पर सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 ने जो है सॉफ्ट लैंडिंग करी चंद्रमा के ऊपर, और वहां से मैसेज आया कि मैं चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका हूं और मैं भी पहुंच गया हूं और भारतीय भी यहां पर पहुंच चुके हैं, मैं सक्सेसफुली पहुंचा हूं और भारतीय भी सक्सेसफुली हो चुके हैं। ये बात जब उसने कही थी, मतलब जो मैसेज आया था आपके इसरो के जो टीम के पास में, तब वह काफी ही एक खुशनुमा या कह सकते हैं काफी मतलब अलग ही वर्ड, आज उन सब के लिए शब्द नहीं है मेरे पास में। और कल जो आपके ये एस सोमनाथ जी खुश हो रहे थे, अरे भाई इनके तो नाम में सोमनाथ है, महादेव इनके नाम में विराजमान है, तो क्यों अनसक्सेसफुल होता, वो तो सक्सेसफुल होना ही था। तो चलिए, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगली क्लास में इसी प्रकार से अच्छे कंटेंट के साथ में, और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे काफी अच्छी चीजें हैं जिसमें हम अलग अलग जितने सेंटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हम बीएसएससी वगैरह इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।